पाया था सुबह हमें एकदम जरूर को तो आराम है तो उठा के लियो ठीक है इधर क्या फोटो ले छे तक तुम ठीक है गाड़ी ले चलाने दिखते हो कौन केहरडीह टोला के ग्रामीण आया रोड में रोड नहीं बनने पर करेंगे उग्र आंदोलन। चंदन कियारी प्रखंड के अरीता पंचायत के केहरडीह गांव निवासी 200 परिवार के सैकड़ों लोग आज भी पगडंडी के भरोसे हो आवागमन को मजबूर हैं। पंचायत से लेकर जिला प्रशासन समेत राज्य व केंद्र की सरकार लगातार इस अभियान में जुटी है कि कोई भी सुदूरवर्ती गाँव संपर्क पथविहीन नहीं हो। इसके लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रखंडवार करोड़ों रुपए आवंटित कर इसे खर्च भी करती है, परंतु आज भी केहरडीह जैसे कई गांव के ग्रामीण आवागमन के लिए पगडंडियों के भरोसे मजबूर हैं। इसी दौरान शुक्रवार को केहरडीह के ग्रामीणों ने गांव में ही प्रदर्शन कर सरकार व जिला प्रशासन के विरोध में नारा लगाते हुए गांव में संपर्क पथ के निर्माण की मांग की, जहां तंत्र के रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि विगत कई वर्षों से उक्त सड़क के निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, परंतु पंचायत से राज्य सरकार तक किसी ने उनकी व्यथा नहीं सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा, 15वें वित्त आयोग व DMFT, मुख्यमंत्री सड़क योजना व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समेत कई योजनाएं इस दिशा में संचालित है, परंतु आज तक उक्त सड़क के निर्माण की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं हुई। मौके पर पंचायत समिति प्रतिनिधि MD हिकमत अंसारी, रविन्द्र नाथ महतो, प्रभात पांडे, सुखदेव पांडे, दिलीप पांडे, वीरेंद्र पांडे, मानस मोहन सिंह, सीमांत उराव, समरेश राय, फनी भूषण रजवार, कार्तिक रजवाड़ा के गांव के अलावा महिला एवं पुरुष चंदन क्यारी से जावेद अख्तर। गाड़ी घुस नहीं रहा, फंस के लगा इसका गाड़ी फंस गया है। गाड़ी फंस गया है। बताया जाए कि काफी संख्या में यहाँ के ग्रामीण पहुँचे में कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ का जो रोड का जो जाने का जो रास्ता है, यहाँ का स्थिति बहुत खराब है। वास्तविक में हम देख चुके हैं यहाँ कच्चा सड़क है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह से बच्चों के स्कूल के लिए भी कोई वाहन आना नहीं चाहती है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई के मतलब जो प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो इससे क्या कोई लिखित शिकायत आप लोग नहीं दिए हैं? देखिए अभी तक इसके बारे में तो लिखित शिकायत देंगे तो हम तो कुछ नहीं ना कर सकते हैं, मुखिया जी बोलेंगे तो उसी के आधार ना कुछ किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई मतलब जो है लिखित आवेदन नहीं दिया गया, इसके बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली अभी। तो यहाँ के ग्रामीण क्या विधायक जी को लिखित शिकायत नहीं दिया है? बोल रहे हैं जैसे उन्हीं के आधार पर शायद मतलब दिया होगा तभी तो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं दिया होगा तो नहीं बोलते। दिए होंगे, उनके पास रिसीविंग होगा। क्या नाम है आपका? रविंद्र महतो, उप मुखिया के हस्बैंड। काको दिखते दी ये का सबका पता है कि सरकार जैसे रोड बना सके, बच्चा आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा, स्कूल से कोई पेशेंट ले जाने के आने के लिए दिक्कत हो रहा, कोई भी आने जाने के लिए रात के दिन कोई भी आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा, सड़क पर पेशेंट के लिए दिक्कत हो जा रहा। सड़क बन जाने से गाँव वालों का सबको ही अच्छा होगा। देखिए मुखिया जी को बोल कर ही ठग गया है, पंचायत सबको ही बोल रहा है, लेकिन कोई भी आज तक सड़क बनाने के लिए मतलब क्या से 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 आप लोग यहाँ के गांव वाले लोग विधायक जी के पास गए थे? गए क्यों नहीं गया? तीन चार बार गए, जब बनने का टाइम जब नेता बन रहा है ठीक है, अब सबको हम बना रहे, अब जो चाहेगा वही हम हाँ जो जब हो जा रहा है उसके बाद जब हम जा रहा है अब बनाना चाहिए उस टाइम, लेकिन सड़क बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? परेशानी यहाँ क्या क्या हो रही है? परेशानी यही है ये सड़क में आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। कहाँ से कहाँ? क्या नाम है आपका? मालती देवी। बोलिए। हाँ, हमारे चंदन क्यारी प्रखंड के आड़ता पंचायत टोला केहरडीह सीतलडी से जो मेरा केहरडीह का पथ है आज तक नहीं बना है, किसी को हम लोग बोलने जाते हैं विधायक को या मुखिया को तो कोई मेरे बात को नहीं सुनता है हम लोगों को। तो मेरा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि क्या केहरडीह सरकार के गिनती में है क्या नहीं है, क्या सरकार से लाभुक बन सकता है कि नहीं है? तो लाभुक तो दूर में जाए किंतु कम से कम पथ तो बना दिया जाए। एगो डिलीवरी पसंद होने के कारण एगो गाड़ी नहीं आने चाहता है, कष्ट से हम लोग डोली में लेकर जा करके पहुंचाते हैं, स्कूल के बच्चे लोग जाने के लिए तरसते हैं लेकिन गाड़ी वाला घुसना नहीं चाहता है।
है तो क्या ये सरकार के अंदर है क्या नहीं, यही हमको जवाब चाहिए, और नहीं तो रोड बनाना चाहिए। क्या इसका लिखित शिकायत आप विधायक, हम दे चुके हैं विधायक को, एक बार नहीं दो चार बार दे चुके हैं, विनोद गोरा है एवं दिलीप महतो उसका जो पीओ हैं, पीओ को हमारे सामने बोले हैं कि पंडित जी का काम निकाल दीजिए जिला से, लेकिन आज तक नहीं निकाला है, है? तो इसके कारण क्या है? है कि चंदन क्यारी के अंदर कैडी नहीं है और कैडी से उन लोगों का कोई गिनती नहीं है। कितना दिन पहले आवेदन दिए थे? आवेदन आज कम से कम 6-7 महीने पहले दे चुके हैं, तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्री सुखदेव पांडे। अगर अभी रोड नहीं बनती तो इससे आगे क्या सोचे हैं? रोड अगर नहीं बनती है तो इसका आगे हम लोग यही सोचे हैं कि सरकार के गिनती में जो आदमी है, विधायक हो चाहे मुखिया हो चाहे समिति हो, मेरे गांव घुसने हम नहीं देंगे, बस यही मेरा।